क्रिकेट की फील्ड पर फैन मूवमेंट बनाना एक शख्स को भारी पड़ गया। दरअसल बीते दिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में पुलिस को चकमा देकर कुछ प्रशंसकों ने ग्राउंड में जाकर पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ एक सेल्फी खिंचवाई थी और अब उनकी ये हरकत उन्हें हवालात की सैर भी करवा सकती है। क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं आपको। भारत और श्रीलंका के बीच डे नाइट टेस्ट मैच के दौरान मैदान पर पहुंचकर विराट कोहली के साथ सेल्फी लेना फैंस को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि पुलिस ने चार प्रशंसकों को बेंगलुरु में अपने पसंदीदा स्टार के साथ सेल्फी लेने के लिए सुरक्षा घेरे का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया। कर्नाटक पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक उनके खिलाफ कब्बन पार्क थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दरअसल बेंगलुरु टेस्ट मैच के दूसरे दिन श्रीलंका की दूसरी पारी के छठवें ओवर में जब मोहम्मद शमी की गेंद लगने के बाद कुशल मेंडिस को मेडिकल सहायता दी जा रही थी, तब विराट को करीब से देखने का मौका पाकर 3 से 4 प्रशंसक ग्राउंड के अंदर घुस आए थे। इस दौरान इनमें से एक फैन कोहली के करीब पहुंचने में सफल रहा और फिर विराट के साथ एक सेल्फी की मांग की। विराट ने हालांकि अपने प्रशंसकों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनके दुस्साहस ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। उस फैन ने अपने मोबाइल से ही विराट के साथ एक सेल्फी ले ली थी। इस घटना के तुरंत बाद कब्बन पार्क पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, क्योंकि सभी ने वहां सिक्योरिटी का उल्लंघन किया था। ऐसे में उन पर अब सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया जाएगा और आरोपी में से एक शख्स काला बुरागी से और अन्य बेंगलुरु से अदालत के समक्ष पेश किए जाएंगे। आपको बता दें, चूंकि ये टेस्ट मैच बेंगलुरु में खेला जा रहा है और विराट के लिए बेंगलुरु उनका दूसरा घर भी है। आईपीएल में शुरुआत से ही विराट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं। ऐसे में आरसीबी के फैंस का विराट के साथ एक विशेष बंधन भी रहा है और शायद इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद फैंस अपने आप को रोक नहीं पाए। और आपको बता दें दोस्तों कि अब आपको क्या लगता है कि क्या फैंस का इस तरह सिक्योरिटी तोड़कर क्रिकेटर से मिलने की कोशिश करना सही है या फिर गलत? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।